नमस्कार दोस्तों, कुछ ही घंटों पहले ये खबर आई है कि सिद्धार्थ पिठानी ने बेल के लिए दरख्वास्त किया है। सिद्धार्थ पिठानी जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, उनके वकील तारक सैयद ने सिद्धार्थ पिठानी की इस बेल की दरख्वास्त की है। सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना है कि उनको बेवजह गिरफ्तार किया गया है। पिठानी का ये कहना है कि एनसीबी ने उनको सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जो स्टेटमेंट्स थे उन स्टेटमेंट्स के आधार पे गिरफ्तार किया है और इनका ड्रग्स से या ड्रग्स के व्यापार से कोई भी संबंध नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी बोला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पे एनडीपीएस के सेक्शन 27A के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो इलीगल है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के कुछ चैट्स अभी दिखाने वाला हूँ। ये मैसेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पे साफ बोल रहे हैं कि वो डूब्स रेडी कर रहे हैं। डूब्स का मतलब है गांजा का जॉइंट जिसे वो रोल करते थे, और उनका दोस्त दीपेश सावंत जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था उनको भी बेल मिल गई थी, लेकिन उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि एनसीबी ने ये बोला था कि दीपेश सावंत मुंबई का ये जो ड्रग रैकेट है उसके साथ दीपेश सावंत का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, बहुत ही गहरा कनेक्शन है, ये एनसीबी ने खुद बोला था। और जैसे मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में इकरा कुरैशी के बारे में बोला था, इकरा कुरैशी जो एक छोटी बच्ची है लेकिन वो ड्रग्स का व्यापार करती है, उनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इकरा कुरैशी ने भी सुशांत के ये जो फ्लैटमेट्स हैं उनके नाम बताए, और इकरा कुरैशी ने भी ये बताया है कि वो ड्रग्स का सप्लाई करते थे, सुशांत के जो फ्लैटमेट्स हैं उनको वो ड्रग्स का सप्लाई करती थी। सो यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी का जो पल्ला है वो बहुत ही हल्का है। ये जो बेल के लिए उन्होंने दरख्वास्त की है, मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ पिठानी को अभी बेल मिलने वाली है। और जहाँ तक दीपेश सावंत की बात है, आप ये पिक यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक है जून 14, 2020 की, वही मनहूस दिन जिस दिन सुशांत के मौत के बारे में हम सबको पता चला था। आप देख सकते हो कि ब्लैक ड्रेस पहन के दीपेश सावंत यहाँ पे खड़ा है और उनके हाथ में है एक ब्लैक कलर का बैग। अब सुशांत के बॉडी को जब उनके फ्लैट से नीचे एम्बुलेंस की तरफ लेके जा रहे थे, तब भी आप यहाँ पे इस पिक में देख सकते हो कि दीपेश सावंत वहाँ पे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही दीपेश सावंत अचानक वो बैग लेके भागते हैं और वो उस जगह से निकल जाते हैं। फिर वो 3-4 मिनट के बाद फिर से लौट आते हैं और उनके हाथ में कोई भी बैग नहीं रहता। उसका मतलब है दीपेश सावंत के पास कुछ अहम चीज़ें थे जिनको वो गायब करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। ऐसा हो सकता है कि वो सबूत मिटा रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि सुशांत के जो वैल्यूएबल आइटम्स थे, जो सारे आइटम्स मिसिंग हैं, सुशांत के जो बिलोंगिंग्स थे, जो घड़ियां थी, जो पैसे थे, जो कुछ भी नहीं मिल रहा था। सुशांत के पिताजी के सिंह ने ये बताया है कि वो जब सुशांत के घर बाद में गए थे, तब सुशांत के इतने जो सामान है, इतने घड़ियों का उनको शौक था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सुशांत के घर पे कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि दीपेश सावंत, ऐसा हो सकता है कि वो सामान जो सुशांत के जो वैल्यूएबल आइटम्स है वो लेके भाग रहे थे, और ये भी हो सकता है कि जो सबूत है उन सबूत को दीपेश सावंत मिटा रहे थे। और जहाँ तक बात है सिद्धार्थ पिठानी की, आप यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी को कहीं भी नहीं देखोगे। जब सुशांत के बॉडी को एम्बुलेंस तक लेके जा रहे थे तब भी सिद्धार्थ पिठानी नहीं था, जब सुशांत के बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लेके गए तब भी सिद्धार्थ पिठानी नहीं था, और उसके बाद जब सुशांत के लास्ट राइट्स हो रहे थे तब भी सिद्धार्थ पिठानी गायब थे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको ये फोटो दिखाया था और इसके बारे में विस्तार से बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी के सिर पे यहाँ पे एक स्पॉट था, बाद में वो जब सामने आए थे तब ये स्पॉट दिखा था। इसका मतलब ये है कि 13 जून की रात को ही सुशांत के साथ जब सिद्धार्थ पिठानी मिले थे तब उनकी सिर्फ बातें नहीं हुई थी, हाथापाई हुई थी, क्योंकि हाथापाई के कारण ही उनको चोट लगी थी, जिसके कारण वो 14 जून को सुबह निकल नहीं पाए थे। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किया है कि ऐसा हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी के सर पे वहाँ पे बाल ना हो, बॉल्डिंग हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, मुझे 100% यकीन है कि ये बॉल्डिंग के वजह से नहीं हुआ है। अगर ये बॉल्डिंग के वजह से होता तो एटलीस्ट 14 तारीख को सिद्धार्थ पिठानी बाहर आते, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी कहीं पे भी नहीं दिखे। वहाँ पे दीपेश सावंत दिखे, वहाँ पे नीरज केशव दिखे, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी कहीं पे भी नहीं दिखे। उसका मतलब है उनको इंजरी हुई थी और बंद दरवाजों के पीछे उनका ट्रीटमेंट किया गया, और उसके बाद ये अर्णब का जो इंटरव्यू है, यहाँ पे ये फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी आए थे, जहाँ पे ये साफ दिखा जा रहा है कि इनके सिर पे बाल नहीं थे। दोस्तों, मुझे आशा है कि जल्द से जल्द
दीपेश सावंत को भी एनसीबी गिरफ्तार करेगी और क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी। सिद्धार्थ पिठानी को एक सवाल पूछेगी जो दीपेश सावंत को भी पूछेगी अलग अलग रूम में, जिससे पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ऐसी सारी चीज़ें होने वाली है ऐसा मुझे उम्मीद है, और मैं होप करता हूँ कि सिद्धार्थ पिठानी का ये जो बेल प्ली है ये रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक हम लोगों को इतने सारे सबूत मिल चुके हैं तो फिर एनसीबी और सीबीआई के पास तो बहुत सारे सबूत होंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आपके कमेंट्स हमेशा देखता हूँ और मुझे प्रोत्साहन मिलता है मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद एंड जस्टिस फॉर SSR।